नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, सामने बिहार विधानसभा चुनाव है और जब मैं टिकट की रेस का कार्यक्रम कर रहा था, अभी और कई जिलों का करना है, तो मैं मुंगेर के बारे में फीडबैक ले रहा था। और मुंगेर में एक विधानसभा क्षेत्र है तारापुर। तारापुर में ही हवेली खड़गपुर भी है, पहले हवेली खड़गपुर ही हुआ करता था। तो हमने जब संभावित उम्मीदवारों की सूची जानी तो मालूम हुआ कि एक व्यक्ति हैं राजेश कुमार मिश्रा, जिन्होंने सब कुछ कमाया है अमेरिका में, लेकिन आकर खर्च कर रहे हैं तारापुर में। क्यों? यह भी एक जानने के लिए पहली थी मेरे लिए। आगे बात हुई, मैंने राजेश कुमार मिश्रा जी को तलाशा तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया। एक बहुत पुरानी सूक्ति है, संस्कृत में कही गई है, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी, मतलब जिस भूमि पर जन्म हुआ है, जो जन्मभूमि है, वह स्वर्ग से भी बड़ा है। तो राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि देखिए, मैंने अमेरिका में, जर्मनी में, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो राजेश कुमार मिश्रा जी मेरे साथ हैं आज, पहले हम उनका स्वागत करते हैं, तारापुर से आए हैं। और तब इन्होंने कहा कि देखिए, मैं बहुत कुछ कर चुका अमेरिका में, सब कुछ ठीक था, मैं कंपनी में CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, जर्मनी में उसके पहले रहा, ये पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पढ़ाई लिखाई तारापुर में ही प्रारंभिक शिक्षा हुई है, मुंगेर में हुई है, और आप बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा क्या जुनून पैदा हुआ? देखिए, जो लोग अमेरिका जाते हैं अमेरिका में ही रह जाते हैं, बिहार लौटने की बात ही नहीं करते हैं। आप जर्मनी होते हुए अमेरिका पहुँचे और फिर बिहार आ गए हैं, और बिहार की मिट्टी में लोग जब हम चर्चा करते हैं तारापुर की, हवेली खड़गपुर की, तो लोग कहते हैं वहाँ तो उग्रवाद है, लोग कहते हैं वहाँ तो नक्सल है, ठीक है, गर्मकुंड भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की सुख सुविधाओं को, भोग विलास को छोड़कर आप फिर से तारापुर आ गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है ज्ञानेश्वर जी। जी, यही बात थी करीब आज से 3-4 साल पहले। मैं एक बार छुट्टी में अपने गांव घर वापस आ रहा था अमेरिका से। जी, तो मेरे साथ एक राजनीतिक, जी कहिए, कोई मंत्री जी भारत सरकार के, बिहार सरकार के मंत्री। अच्छा, जी अमेरिका से आ रहे थे? अमेरिका, साउथ अमेरिका से वो लौट रहे थे, मेरी मुलाकात हो गई उस प्लेन में, साथ वाले सीट पे बैठे हुए थे। मतलब फर्स्ट क्लास में थे आप? फर्स्ट क्लास में थे। अच्छा, फर्स्ट क्लास में ही सफर करते थे, जो कंपनी हमारी ऐसी फैसिलिटी देती है CFOs को, डायरेक्टर्स को। वो भारत सरकार के मंत्री बिहार के ही थे या किसी और प्रदेश के थे? बिहार के थे। वो अच्छी तरह बिहार को जानते थे। अच्छा, ठीक है। तो चर्च में ऐसे ही उन्होंने पूछ दिया जी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, तो मैंने उनको इतना ही बोला, जहाँ के, जिनका हमारे बिहार के पूर्व पहले फर्स्ट मुख्यमंत्री का कर्म स्थल डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के कर्म स्थल, पहली बार चुनाव भी जीते हवेली खड़गपुर से जीते, एक ऐतिहासिक विधानसभा रहा है, हम लोग को गर्व था उस पे, उस जगह का रहने। गर्व था कि गर्व है? अभी भी गर्व है। बचपन से पढ़ता आया हूँ, मेरे सामने तो वो नहीं बने थे, लेकिन जो पढ़ाई की है, जो जाना है उनके बारे में, चूंकि मैंने देख, मतलब बचपन की यादें हैं कि मधुलमय जी हमारे दरवाजे पे आते थे मेरे दादाजी के पास। मधुलमय जी जब चुनाव जीते थे मुंगेर से? बिल्कुल, जब आपके दादाजी, हमारे दादाजी स्वर्गीय संतलाल मिश्रा जी, अच्छा, जिनके बारे में संतू बाबा का, जी बिल्कुल, उनके पास आते थे, वो उनके चरण हेडमास्टर थे ना, हेडमास्टर थे, लेकिन पंडितारे बहुत चलती थी उस जमाने में, उनका एक वर्चस्व था लोगों के साथ, चूंकि वो हम लोग पंडित हैं, पूजा पाठ कराने वाले। अच्छा, आपने अपनी जाति भी खोल दिया, पंडित हैं, ठीक है, पंडित हैं जाति। चलिए, हाँ, तो चलिए अब वहाँ बैक चलते हैं। तो यही बात मैंने उनको कही भारत सरकार के मंत्री जी, भारत सरकार को, कहते आप कैसे इंसान हैं जो अमेरिका जैसी छोड़ के उस ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ की जान का खतरा है आपको, मतलब वो तो पूरा क्या कहते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा, वहाँ हम लोग नहीं हिम्मत करते हैं जाने की, आप अपने घर कैसे लौट जाते हैं? मतलब भारत सरकार के मंत्री जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते थे, वो आपको हवाई जहाज में अमेरिका से इंडिया आने में मिलते हैं और कहते हैं कि आप ऐसी जगह से आते हैं और वहाँ जा रहे हैं जहाँ सिर्फ नक्सल और उग्रवाद है, तो आपको क्या हो गया? आप इतनी सिक्योर कंट्री में रहते हैं, आपको तो वहीं रह जाना चाहिए। तो बात उन्होंने सही कही, आपके यहाँ तो नक्सलवाद है ही। जी, तो फिर आखिर मेरा जन्म तो उसी धरती पे हुआ, श्री कृष्ण बाबू उसी धरती को अपना कर्म स्थल बनाए, आखिर ऐसा क्या हुआ? हम तो अपने जन्म स्थल ऐसा पैसा क्यों कमाए? आदमी जो अपने जन्म स्थल के काम ना आ पाए, उसका कुछ परिभाषा ना बदला जा सके, हो सकता है कुछ हुआ हो ऐसा। तो 2016 में आपकी जिद हो गई? बिल्कुल।
कि अब बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, एक ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ा करेंगे वहाँ। कहाँ? हवेली खड़गपुर में। हवेली खड़गपुर में यूनिवर्सिटी खड़ा करेंगे आप? आईटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आतंकियों की यूनिवर्सिटी खड़ा करेंगे? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की। हाँ। जिस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे थे अमेरिका में। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि वहाँ लोग आएंगे, फैकल्टी आएंगे, वहाँ स्टूडेंट्स आएंगे? सर एक चीज बता दें जी। चलिए अब इसमें थोड़ी सी करी बोली देते हैं। जब आपने पूछा जी रियलिटी, आप विकास देखना चाहते हैं तो आइए साउथ बिहार में जी, तारापुर में आके देखिए क्या विकास है। अभी भी वहाँ पे हम लोग मिनिमम चीज के लिए डिमांड में जी रहे हैं। रोड नहीं है, कहते ना नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने रोड बना दिया, हमने सड़क पानी बिजली। हाँ बसपा कहते हैं ना बिजली सड़क पानी। हाँ जी इसी पे हम लोग अभी भी जी रहे हैं। अच्छा इसी को विकास मान के चल रहे हैं। ये भी अभी नहीं है। अच्छा अभी भी कादों में लोग चलते हैं, कीचड़ मतलब ठौना भर कीचड़ में लोग को घर जाना होता है। अच्छा। तो काहे का विकास? हाँ। एक चीज बता दीजिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट बिहार सरकार ने लाए। हाँ लाया। कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पास हुए? आप तो पत्रकार हैं जानते हो, 10 से 12 पास हुई है। हाँ पास भी हुए तो बस ऐसे ही है। हाँ जी सारे पटना के इर्द गिर्द ही क्यों जी? क्या और पटना से इर्द गिर्द के अलावा बिहार नहीं है? तो आप 200 करोड़ रुपए कहाँ से लगा देंगे? आप कह रहे हैं कि हम तारापुर में यूनिवर्सिटी खोल लेंगे, कहाँ से खोल लेंगे? क्यों नहीं खोलेंगे? हाँ कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो 200 करोड़ रुपया हम कमाए, हमारे साथ ऐसे फ्रेंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा है। हाँ, चूंकि मैं उस लाइन में रहा हूँ, बैंकर्स को जानता हूँ मैं। हाँ, मैं हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे काम किया हूँ, मुझे पता है किस तरह इन्वेस्टर्स आते हैं, वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए हमने मान लिया आपको, भारत सरकार के मंत्री जी ने आपकी दुखती रग को छेड़ दिया, आपकी मिट्टी को, आपके जन्मभूमि को याद दिला दिया और उसकी करवाहट याद दिला दिया, तब आप क्या करने लगे? क्या आपने, ठीक है यूनिवर्सिटी तो खोलेंगे सपना है, लेकिन अभी आपने क्या किया तारापुर में? बच्चों के लिए कुछ किया, वहाँ की लड़कियों के लिए कुछ किया, वहाँ की महिलाओं के लिए कुछ किया? मैंने सुना कि आपने स्कूल बस्ते बांटे। अरे नीतीश कुमार भी तो पोशाक बांट रहे थे, आप स्कूल बस्ते क्यों बांट दिए? सरकार से बंटवा देते। देखिए जी आपको भी पता होगा जी कि रियलिटी में पोशाक कितने मतलब सॉरी ये जो कहते हैं पोशाक तो खैर खाने ड्रेस, हाँ ठीक है ड्रेस का, ड्रेस का जो पैसा होता है जी, वो आजकल हर एक चीज का पैसा सरकार दे देते हैं खाते पे। हाँ बिल्कुल। कितना परसेंट खरीदता है उसको जी? आप जाके सरकारी स्कूलों में देखें क्या हालत में बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उसमें अगर वो पढ़ना भी चाहती है तो प्राइवेट के बच्चों को देख के उनका मानसिक स्थिति खराब हो जाती है कि एक देखती है अरे प्राइवेट स्कूल में मेरा भाई इस तरह जा रहा है। अभी भी गाँव देहात में बेटे को भेजा जाता है प्राइवेट स्कूल और बेटी को भेजा जाता है सरकारी स्कूल। वही लड़की देखती है कि मेरा भाई ड्रेस अप होके बैग टांग के मतलब थर्मस लेके टिफिन लेके प्राइवेट स्कूल जा रहा है। अच्छा अब वो हाथ में किताब लेके एक बोरा समेट के अभी तो गए होंगे बचपन में बोरा लेकर सही गए हैं जी। तो यही चीज मैंने कहा जी, मेरे मन में आया कि मेरे मन में ये चलता था उस समय जब हम स्कूल में जाते थे, देखते थे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, तो मेरे मन में यही होता था कि मानसिक स्थिति सही में अनबैलेंस होती है उस जगह पे सोच के। तो राजेश कुमार मिश्रा जी ठीक है अनबैलेंस होती है, सुना आपने 30,000 बच्चों को लड़कियों को आपने स्कूल बैग well और हाँ बेल मेंटेन मतलब आप की थी बंटवा दिए, थर्मस भी था उसमें सब कुछ था, तो ये सब आप काम करते रहे, आप चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रहे हैं, आप एजुकेशनल ट्रस्ट भी चला रहे हैं अपने माताजी और पिताजी के नाम पर, लेकिन आखिरकार फिर से वहीं तो आप आ गए, आप भी विधायक बनने जा रहे हैं और राजनीति में आ गए, समाज सेवा से आ गए। देखिए चुनाव लड़ना चाहते हैं ना आप, लड़ रहे हैं? क्योंकि मैं जब टिकट की रेस की चर्चा कर रहा था तो आप चुनाव लड़ने वालों में शामिल थे। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी जी के सिपाही हैं? बिल्कुल। सब लोग तो नमो नमो करते हैं, आप राहुल गांधी जी के साथ क्यों लग गए? वो एक सच बोलने वाले युवा है। अच्छा सत्य बोलते हैं। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? प्योर झूठ। झूठ? बिल्कुल। क्या झूठ कहा उन्होंने? देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं, धारा 370 हटा दिया, सब कुछ तो कर दिया जो उन्होंने कहा। अगर सच्चाई देखेंगे जी, एक पढ़ा लिखा इंसान जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है भारत का वो खत्म हो गया है। अच्छा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर खत्म हो गया जी। आने वाला आप 6 महीने से 1.5 साल देखिएगा क्या हालत होगा भारत का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में। हाँ। बहुत ऐसी बातें हैं जिसमें कि उन्होंने झूठ बोला है और वो प्रूव किया उनके खुद क्या कहते हैं जो मंत्रालय है प्रूव कर देती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए हम अब आप भारत सरकार की हाँ। बात नहीं करते, हम तारापुर की बात कर लेते हैं। तारापुर आप कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर, महागठबंधन के टिकट पर, आपके खिलाफ इतने घाग घाग लोग हैं, मेवालाल चौधरी जदयू के विधायक, मौजूदा विधायक, जब भाई सांसद बने तो भर्ती घोटाला कर दिया, हाँ तो उनके खिलाफ भी आपको लड़ना है,
सकनी चौधरी अपने जमाने के दिग्गज, उनके दूसरे बेटे रोहित चौधरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे बागी होकर लड़े चाहे जैसे लड़े हैं, एक भाई सम्राट चौधरी भाजपा के एमएलसी, दूसरे तारापुर में उतरेंगे। तो ये जो घाघ लोग हैं, इन घाघ लोग से आप चुनाव कैसे लड़ेंगे अमेरिका से आकर? मैं जन कल्याण के लिए राजनीति करता हूं जी। मेरा एक ही मकसद है जी कि जनता को, जनता के प्रॉब्लम को या उनके कल्याण के लिए जितनी कार्य की जा सके, युवाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए। अच्छा, आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर ठगा हुआ कोई है जी बिहार में तो वो युवा है। अच्छा, जिसको ना किसी रोजगार पे कभी किसी नेता ने आज तक उनको कोई सहारा दिया, शिक्षा तो खैर चौपट ही करके छोड़ दिए। तो आखिर ऐसे युवा को ही ठगते हैं, क्यों ठगते हैं? उनके पीछे झंडा उठाने वाला चाहिए। अब क्या संथाली भी हैं? हाँ, संथाली भी हैं, बिल्कुल। उनको मुख्य धारा से जोड़ने की आज तक कोशिश नहीं की। आप क्या कर रहे हैं? मैं उनके यहाँ कंप्यूटर सेंटर खोला हूँ। कंप्यूटर सेंटर आपने खोला? फ्री में चलाते हैं, हर एक अच्छा। उनके पंचायत में जाकर अच्छा। उनके मतलब जो लेडीज होती हैं उनके लिए फ्री सिलाई सेंटर खोला हुआ है ताकि वो सीखें, क्योंकि उनके घर से और मार्केट आने में करीब 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। सभी के पास ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है कि वो कम्यूट कर सके, वहां तक जा सके। तो अच्छा, आपकी श्रीमती जी भी अमेरिका में रहती हैं? अभी अमेरिका में रहती हैं, शायद पद्मा मिश्रा नाम है, एक बड़ी इवेंट कंपनी चलाती हैं और अमेरिका में जितने बड़े बॉलीवुड शो होते हैं, चाहे वो सोनिया राय जाती हो चाहे कोई दूसरी जाती हो, तो सबका मैनेजमेंट देखती हैं, इंटरनेशनल प्रमोटर हैं वो। तो पद्मा मिश्रा आपकी वाइफ अमेरिका में, राजेश कुमार मिश्रा तारापुर में, चुनाव 2020 में चुनाव आप लड़ेंगे, चुनाव के बाद अमेरिका तो नहीं भागेंगे ना? अगर अमेरिका भागना होता तो ये मिट्टी क्यों, हम जो देश की मिट्टी या ये जन्मस्थल की धूल मिट्टी क्यों फांक रहे हो? अच्छा, अमेरिका में रहना जी, देखिए जब हम गरीबी परिवेश से निकले पहले अपने आप को सक्षम बनाना तभी आप सेवा कर सकते हैं। जब आप खुद ही उस लायक नहीं होंगे तो सेवा क्या करेंगे? पहले उस लायक बने कि हम सेवा कर सके। अब हम सेवा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हम सेवा करेंगे। आपको भरोसा है कि राहुल गांधी जी टिकट देंगे? ये देखिए उनका ये अलग, वो लोग का अपना मर्जी है। मुझे विश्वास है कि उनकी हर एक डिसीजन आज तक कांग्रेस में सही होता आया है, वो सही निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय पे मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए, राजेश कुमार मिश्रा बदलेंगे तारापुर को, यूनिवर्सिटी वहां लाएंगे, मौका मिला तो। अब तारापुर छोड़कर अमेरिका नहीं जाएंगे, तारापुर की मिट्टी में ही लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जीतेंगे, जो कुछ होगा। तो राजेश कुमार मिश्रा अमेरिका से आए हैं, बिहार को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बाहर में नाम कमाए ही हैं, अब अपने मातृभूमि की सेवा भी कर दें, तो इनसे हम बने रहेंगे और आगे भी इनकी चुनावी जो सियासत है वो भी देखेंगे, तारापुर में और जो लोग लड़ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपके साथ हमारा संबंध बना रहेगा। आप इस वीडियो को यदि YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि इस वीडियो को आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, Twitter पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।